बॉलीवुड की फिल्मों में जितना अहम किरदार हीरो हीरोइन का होता है, ठीक उतना ही जरूरी हीरो के दोस्त और विलेन का होता है। क्योंकि कोई भी फिल्म केवल हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी पर तो नहीं फिल्माई जा सकती। फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे करेक्टर्स की जरूरत होती है। ऐसे में आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे विलेन से मिलवाने वाले हैं जिन्हें अपने काले रंग की वजह से काफी ट्रोल किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, एक 5 सेकंड की क्लिप ने इनको काफी वायरल किया था। इनकी फिल्मों की गिनती काफी लंबी है, जिसका पता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि कम से कम 182 बार मौत के सीन इन पर फिल्माए जा चुके हैं, और ये एक बार तो सच में मौत को छू कर लौटे थे। तो चलिए बताते हैं आपको हिंदी सिनेमा के चर्चित विलेन आशीष विद्यार्थी के बारे में सब कुछ। आशीष विद्यार्थी हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने कलाकार हैं, जो हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु सिनेमा में भी नजर आते हैं। साथ ही उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म द्रोकला के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 में केरला के कुन्नूर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद विद्यार्थी है, जो कि एक मलयाली थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उनकी मां रीबा विद्यार्थी एक कथक डांसर थीं। आशीष ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुन्नूर केरला से की। उसके बाद वो सन 1969 में दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आशीष ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से खत्म की। आशीष ने बचपन से ही पिता को अभिनय करते देखा था, इसलिए वो भी बड़े होकर अभिनय की दुनिया में कदम रखना चाहते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आशीष ने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया और भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में एक्टिंग और ड्रामेटिक की बारीकियां सीखी। आशीष विद्यार्थी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। एक समय ऐसा था जब वो दिल्ली में थिएटर करते थे और वहां पर उन्होंने खूब नाम भी कमाया। आशीष विद्यार्थी ने बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री शकुंतला बरुआ की बेटी राजोशी बरुआ से शादी की। राजोशी विद्यार्थी भी टीवी अभिनेत्री हैं। उन्होंने सुहानी सी एक लड़की जैसे कई सीरियल्स में काम किया है। अभिनय की बारीकियां सीखते हुए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आशीष विद्यार्थी ने कन्नड़ फिल्म आनंद से की थी। सन 1991 में उन्हें फिल्म काल संध्या से बॉलीवुड में ब्रेक मिला, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशीष फिल्म बाजी और नाजायज में नेगेटिव रोल निभाते नजर आए थे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पहली ही फिल्म से आशीष को पहचान मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में विलेन की भूमिका अदा की, जिनमें हसीना मान जाएगी, कहो ना प्यार है, जोड़ी नंबर 1 और जिद्दी जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। आशीष विद्यार्थी बेहद उम्दा कलाकार हैं और इसलिए इनका नाम बॉलीवुड के शानदार खलनायक की फेहरिस्त में शुमार होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, विलेन की मौत फिल्म में होना तो निश्चित है, लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान आशीष की जान जाते जाते बच गई। दरअसल आशीष विद्यार्थी एक बार छत्तीसगढ़ में फिल्म बॉलीवुड डायरी की शूटिंग कर रहे थे। उनकी शूटिंग महमरा एनीकट के पास चल रही थी, जहां उन्हें पानी में उतरना था। इस दौरान आशीष इतने गहरे पानी में चले गए कि वो सच में डूबने लगे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें डूबते हुए तो देखा, लेकिन उन्हें लगा कि वो फिल्म का सीन है। ये सोचकर कोई उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन कुछ दूरी पर उन्हें पुलिस के ऑफिसर देख रहे थे। इतने में उन्हें आकर बचा लिया गया। हालांकि ये हादसा होते होते रह गया, लेकिन आशीष अब तक 185 फिल्मों में मर चुके हैं। आशीष एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए बल्कि समाज के प्रति अपने अच्छे कामों के लिए ख्याति पाई है। आशीष विद्यार्थी ने बतौर अभिनेता के रूप में लगभग सभी भाषाओं में कुल 234 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो अभी भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं और उसी के साथ टेलीविजन में भी काम कर रहे हैं। एक 5 सेकंड की क्लिप ने इनको काफी वायरल किया। आपको याद होगा, एक लड़के को आंख मारती हुई एक लड़की की छोटी सी क्लिप तकरीबन 5 सेकंड की YouTube, Facebook सहित पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसने तहलका मचा दिया था। कहा जा रहा था कि इस वीडियो में जो लड़की दिखाई जा रही है वो आशीष विद्यार्थी की लड़की है, जिस वजह से
आशीष विद्यार्थी भी चर्चा में थे। लेकिन जब इन दोनों के कनेक्शन के बारे में पता किया गया तो इन दोनों का दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं था। प्रिया प्रकाश के पिताजी प्रकाश वरियर हैं, जिनका आशीष विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन किसी ने फेक खबर फैला दी कि इस वीडियो में जो लड़की है वो आशीष विद्यार्थी की बेटी है। आशीष विद्यार्थी हिंदी समेत 11 भाषाओं में काम कर चुके हैं और जल्दी ही कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ हमें छोटे बड़े पर्दे पर नजर भी आएंगे।